नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 16 जनवरी 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। BSTC वर्सेस BEd कोर्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और बात करेंगे प्रत्यावेदन कोर्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी अपडेट रहेगी वो आपकी यही रहने वाली है। अगर एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया तब आप लोगों की भैया नौकरी 99% कंफर्म हो जाएगी कि आपको नौकरी मिल ही जानी है। ठीक है, मतलब आप BTC कर लीजिए आज, नहीं तो कल फिर आपको नौकरी मिल जानी है। उसका रीजन आपको बता दें, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर 51,112, एक तो ये वैकेंसी अभी पेंडिंग चल रही है, 22,000 पद खाली है, 68,500 शिक्षक भर्ती के वो वैकेंसी आज नहीं तो कल आ जाएगी। उसके बाद और भी दोस्त जो टीचर रिटायर होते रहेंगे, वैकेंसी आती रहेगी। ठीक है, वैकेंसी का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। और BTC करने वाले छात्रों की संख्या अभी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगर BTC करने वाले छात्रों की संख्या पहली बात ज्यादा नहीं, उसके बाद टेट पास छात्रों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है जितनी की BEd में है। अगर BEd छात्रों को जीरो कर दिया जाए, देखिए सिंपल सी बात है कि BEd छात्र हट जाएंगे, तब आप लोगों की नौकरी गिरा बहुत आसान हो जाएगी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सामने। पहले हम इस अपडेट को रख रहे हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में देख सकते हैं कितने बच्चे पास या फेल हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर BEd छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा आपको दिख रही है 97,368। अगर इनको पूरी तरीके से हटा दिया जाता है तब सोचिए टोटल पद थे हमारे 69,000। ठीक है, उसमें BTC छात्रों को जो नौकरी मिलती है DLED जिसका नाम है 38,610, शिक्षा मित्र 8,018 और अदर्स में 2,064। टोटल जोड़ लेंगे तब भी लगभग 49,000 के करीबी पहुंचता है, 48,000 समथिंग है। तब भी सोचिए यहाँ पर 20,000 पद खाली रह जाते हैं जो कि आपको मिलते हैं। ठीक है, तो मामला कोर्ट में चल रहा है, 3 महीने के अंदर इसका फैसला सुना दिया जाएगा। 90 दिन लगता है जब ऑर्डर रिजर्व होता है, तो भैया 90 दिन के अंदर इसका फैसला आएगा। तैयार रहिए बिल्कुल फैसले के लिए। अगर आपकी जीत होती है तब एक बात और आपको बता दें, तब आप लोग बहुत लकी बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों ने BTC में डर के मारे एडमिशन नहीं लिया कि इसका फ्यूचर ठीक नहीं लग रहा है। BEd में एडमिशन लेने का वजह जो थी ना सभी बच्चों में, उसका रीजन यही था कि डबल फायदा देख रहे थे कि हमें TGT में मौका मिल जाएगा, PGT में मिल जाएगा, LT में मिल जाएगा, BEO में मिल जाएगा, अन्य वैकेंसी में मौका मिलेगा, लेकिन DLED छात्रों को नहीं मिलता। एक बात और है, NCT ने एक बात और कही थी कि चलो ठीक है, जिन बच्चों का BEd वालों का नौकरी लग जाएगा 69,000 में, उनको हम ब्रिज कोर्स कराएंगे 1-1.5 साल के अंदर। अभी तक तो नहीं कराया गया, कोई प्रस्ताव भी अभी तक 69,000 भर्ती में सामने नहीं आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सरकार को अपने तरफ से पैसे खर्च करने पड़ेंगे ब्रिज कोर्स कराने को लेकर। अब ये बात बताइए, सरकार अपने पैसे क्यों खर्च करे? ठीक है, जो बच्चे ट्रेंड है पहले से, जो बच्चे DLED करके जा रहे हैं, DLED आप क्यों करते हैं? स्पेशली इसी के लिए करते हैं ना कि आपको नौकरी मिले। बाकी जो भी अपडेट यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट की आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। DLED स्कूटनी रिजल्ट का जो भी अपडेट्स होगी वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप लोग तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, एडेड स्कूलों में PT के सामान्यकृत अंक के आधार पर होगा चयन। हो सकता है दोस्तों कि आज हमारा पेट का रिजल्ट आ जाए, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो तुरंत आप अपना रिजल्ट डाउनलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने को क्रमिक अनशन जारी है, इस अपडेट पर भी आप लोगों की नजर होनी चाहिए। पुरानी पेंशन योजना के लिए CM को लिखा गया है पत्र। उसके बाद 10 लाख छात्रों का वजीफा फंसा है, पिछले 25 दिन से फाइल पर चल रहा है मंथन। तो हर एक अपडेट पर आप लोगों की नजर होनी चाहिए, काफी बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस कर देते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं। एक और अपडेट आप देख सकते हैं, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा देने के बाद भी नहीं आया परिणाम, कोर्ट की दखल पर दी थी परीक्षा। तो हर एक अपडेट पर इसलिए कहते हैं आप लोगों की नजर होनी चाहिए। बाकी जो भी दोस्तों अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तो तैयारी में आप लोग लगे रहिए, कहीं पर कोई लापरवाही नहीं करनी है। उसके बाद दोस्तों कुछ और अपडेट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बात और आपको समझना है, यहाँ पर भी हमारा DLED स्कूटनी का रिजल्ट आना बाकी है। काफी बच्चे पास होंगे, काफी बच्चे फेल होंगे, रिजल्ट काफी बच्चों में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस यही है कि आप लोग परीक्षा की तैयारी में लगे रहिएगा, कोई लापरवाही मत करिए। ठीक है, लापरवाही करते हैं तभी आपका रिजल्ट खराब होता है। बाकी जो हमारी परीक्षा डेट शीट की लिंक आएगी वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचा देंगे। तो गाइस, DLED फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2023 का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। लापरवाही फिर से वही कहेंगे कि आपको नहीं करना है, लापरवाही का जो नतीजा होता है वो खराब होता है, रिजल्ट आपका खराब हो जाता है। ठीक है, 69,000 सहायक भर्ती परीक्षा के बाद भी नहीं आया था रिजल्ट, कोर्ट की दखल पर दी थी परीक्षा, देख सकते हैं इस अपडेट को पहले। आप में से काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो
संघर्ष करते हैं लेकिन उनके साथ कुछ होता नहीं। जरा इस अपडेट को देखिए। परसदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में हाईकोर्ट के दखल पर परीक्षा देने वाले सैकड़ों बेरोजगारों को न तो रिजल्ट मिला और न ही नौकरी मिल सकी। भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त बीएड विशेष शिक्षा करने वाले यह अभ्यर्थी 4 साल से हाईकोर्ट और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में बीएड के साथ ही बीएड विशेष शिक्षा को भी कक्षा 1 से लेकर 5 तक की शिक्षक भर्ती में मान्य किया था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने किया था शामिल, चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं, 4 साल से भटक रहे अभ्यर्थी। तो हर एक अपडेट पर इसलिए कहते हैं आप लोगों की नज़र होनी चाहिए, काफ़ी बच्चे कुछ बड़ी अपडेट को मिस करते हैं फिर बाद में पछताते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए हर एक अपडेट पर और उसी हिसाब से आप लोग की तैयारी होनी चाहिए। तो गाइस कहीं पर हमें लापरवाही नहीं करनी है क्योंकि लापरवाही करने से नुकसान ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे, बाकी जो भी अपडेट बनेगी अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो ठीक है, लग जाइए पेपर की तैयारी में और जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में बात करेंगे प्रत्यावेदन कोड की क्या अपडेट है। देखिए गाइस काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा है आप लोगों का, ये बात आपको पता है। अगर उसी समय आप लोग का पेपर हो जाता तो रिजल्ट भी ठीक समय से आ जाता, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी लेट लतीफ़ी देखने को बच्चों को मिली है। तो इसकी जो भी ऑफिशियल अपडेट निकल कर आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। डीएलएड स्कूटनी रिजल्ट का इंतजार सभी बच्चे बेसब्री से कर रहे हैं, अभी तक ये रिजल्ट भी नहीं आ पाया। तो गाइस वही है कि बस आपको सब्र करना है, इंतजार करना है, जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। तो ठीक है, 16 जनवरी 2023 आज की वीडियो में बस इतना ही, और जो भी अपडेट आएगी शिक्षक भर्ती के नियमों में जो भी परिवर्तन होगा वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बस आप लोग परीक्षा की तैयारी में लगे रहिएगा। एक बात और है दोस्तों यहाँ पर जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा समझ लीजिए आप लोग पहले। इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि अगर आप लोग पेपर की तैयारी ठीक से नहीं करेंगे, ठीक है, अगर इस साल वैकेंसी आ जाती है, ठीक ना, समझ लीजिए पहले 2023 में वैकेंसी आ जाती है, अगर आपको मौका नहीं मिल पाया किसी वजह से कि आपका टेट क्लियर नहीं है या आपकी डीएलएड में बैक अभी भी बची है, तो याद रखिएगा जो लास्ट वैकेंसी हमारी आई थी, लास्ट वैकेंसी ये पता है कब आई थी आपको? ये वैकेंसी दोस्तों आई थी हमारी 2018 में। उसके बाद 2019 में कोई भर्ती परीक्षा नहीं हुई, 2020 में कुछ नहीं हुआ, 2021 में कुछ नहीं हुआ, 2022 में कुछ नहीं हुआ, अब 2023 में उम्मीद है, ठीक है। तो अगर इस बार जो बच्चे छूट जाएंगे तो उनको कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा उन बच्चों को खुद भी नहीं पता होगा। तो ये बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आपको तैयारी ठीक तरीके से करनी है, कोई लापरवाही नहीं करनी है, लापरवाही का नतीजा खराब होता है, रिजल्ट आपका फेल होता है, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा और परीक्षा की तैयारी करिए। अगर बीएड बाहर हो गया तब आपकी बल्ले बल्ले है, तब फिर आपको नौकरी के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, अच्छी खासी आपको नौकरी लग जाएगी, फिर बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आपको नौकरी मिलेगी, इस बात को जरा ध्यान रखेंगे। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे और मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन